नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शुक्राणु की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। उच्च तापमान के संपर्क में आने से, जैसे कि गर्म पानी से नहाना, लंबे समय तक बैठे रहना, टाइट फिटिंग वाले अंडरवेयर पहनना, उससे शुक्राणु की संख्या कम हो सकती है। ज्यादा मात्रा में मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने से भी शुक्राणु की गतिशीलता 40% तक कम हो जाती है। गर्म वस्तुओं के अंडकोश के संपर्क में आने से, जैसे कि लैपटॉप के गोद में रखने से, अंडकोश संकुचित हो जाते हैं और शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मॉनिटर को कौन सी स्थिति में रखना चाहिए उसके लिए वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छी ओरल हेल्थ, जिसमें हर 6 महीने पे डेंटल चेकअप करवाना, जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। वीर्य में बैक्टीरिया का होना इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। 23% वीर्य में बैक्टीरिया का होना एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर पाए, जिनके दांतों की समस्या का भी इलाज नहीं था। सिंथेटिक डिओड्रेंट और कॉस्मेटिक का उपयोग मत कीजिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। कुछ दवाई जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटीबायोटिक, स्पिरोनोलैक्टोन, सल्फासाल्जिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंड्रोजन और ग्लूकोकोर्टिकॉइड से शुक्राणु की गुणवत्ता पर असर हो सकता है। ज्यादा मात्रा में तनाव, स्ट्रेस शुक्राणु पैदा करने वाले आवश्यक हार्मोन के कार्य में हस्तक्षेप करता है। क्लोरीन वाला नल का पानी, क्लोरीन बीच और अन्य क्लोरीन वाले उत्पादनों से दूर रहिए। उसके विकल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग आप कर सकते हैं। प्लास्टिक के फूड कंटेनर, प्लास्टिक की बोतल, रेप और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। ज्यादा फैट वाले एनिमल प्रोडक्ट अवॉइड कीजिए। तली हुई चीजें, कोयले में पका हुआ या बारबेक्यू का खाना मत खाइए। एंटीऑक्सीडेंट खाना, कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम वाला खाना, जैसे कि हरी पत्ती वाली सब्जियां, काले, गाजर, ब्रोकली, फूलगोभी और याम, कम फैट वाला खाना और थोड़ी कम मात्रा में प्रोटीन वाले खाने से भी शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ती है। शुक्राणु की संख्या, गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए उसके लिए वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज्यादा मात्रा में सोया फूड खाने से भी शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आती है। कैफीन वाला खुराक, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल एडिटिव से भी दूर रहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो शुक्राणु की गतिशीलता और संख्या कम हो जाएगी। वजन कम करने के लिए क्या खाए, डाइट चार्ट और टिप्स, इन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्लेमाइडिया और गोनोरिया से पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेक्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले लुब्रिकेंट से दूर रहिए। अगर आवश्यकता हो तो बेबी ऑयल, कैनोला ऑयल, एग व्हाइट या फिर फर्टिलिटी फ्रेंडली लुब्रिकेंट का ही इस्तेमाल कीजिए। कपड़े बदलते वक्त या स्नान करते वक्त अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जरूर सोचिए, जैसे कि मेटल, सॉल्वेंट, कीटनाशक, पेंट स्ट्रिपर्स, नॉन वाटर बेस्ड ग्लूज या पेंट, दूसरे अंतःस्रावी व्यवधान, इन चीजों के टॉक्सिन से शुक्राणु पे इफेक्ट होता है। पॉसिबल हो तब तक इन चीजों से दूर रहिए। अगर आपको इन चीजों के साथ काम करना पड़े तो सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण जरूर पहने। धूम्रपान करने से शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता और गुणवत्ता कम हो जाती है। किसी भी तरह का तंबाकू का इस्तेमाल मत कीजिए। ज्यादा मात्रा में शराब पीने से, मतलब दिन में 2 या अधिक मात्रा में ड्रिंक लेने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है और वीर्य की गुणवत्ता में भी कमी आती है। कोकीन, हेरोइन, मरीजुआना इत्यादि के इस्तेमाल से शुक्राणु की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर आपको इन चीजों की आदत है और छोड़ने में मुश्किल हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। याद रखिए, शुक्राणु की कम मात्रा और गुणवत्ता पे इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय टॉक्सिन, केमिकल, रेडिएशन, दवाई, भारी धातुओं के संपर्क में आना, ज्यादा मात्रा में शराब का इस्तेमाल, प्रदूषण और गर्मी। हेल्थ के लिए और निसंतान दंपति के लिए वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, टेक केयर।